नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी YouTube चैनल स्मार्टफोन लवर्स में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के नए सिम ऑपरेटर वी के बारे में। जी हाँ, वी आज इसकी बात करेंगे। वी एक मतलब सिम ऑपरेटिंग कंपनी है, मतलब ये इसकी सिम आ चुकी है और दोस्तों कुछ ही दिन पहले इसकी सिम आई है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन लेते रहें, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर काम कर रहे थे, है ना, वोडाफोन आइडिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने के बाद इन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की है, वीआईवी। जी हाँ, ये अब इसके सिम भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये वोडाफोन आइडिया के मर्ज होने के बाद ये वी आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया एक साथ काम कर ही रहे थे, लेकिन मर्ज होने में थोड़ा समय लगता है, 3 साल हो चुके हैं। तो फिर अब इनका नई सिम आ चुकी है वी नाम से, वी आई। ओके दोस्तों, हाँ, लेकिन हो सकता है कि अब ये एयरटेल और जियो को टक्कर दें, क्योंकि ये नई कंपनी है तो फिर कुछ नए प्लान होंगे, हो सकता है कि जियो और एयरटेल से कुछ सस्ते हों, ठीक है। ये तो अभी आगे चल के पता लगेगा, ये कौन कौन से प्लान देंगे, क्या देंगे, ये तो अभी आगे चलकर पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक होगा कुछ अच्छा ही प्लान होगा। अब नहीं है तो फिर ये आप लोग ये तो समझ चुके हैं, वोडाफोन आइडिया इनके मर्ज होने के बाद ये आई है, इन्हीं दोनों की है। जैसे वोडाफोन आप जानते थे ना, ब्रिटिश कंपनी है, और आइडिया सेलुलर ये इंडियन कंपनी थी, ये दोनों मर्ज हो गई, अब इन्होंने बनाई है वी। जी हाँ, वीआईवी। ओके दोस्तों, हाँ इनके प्लान्स क्या होंगे, अगर कैसे क्या रहेंगे, वो भी मैं आपको आगे जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो सिम मेरे पास नहीं है, जैसे ही सिम मेरे पास आई फिर मैं आपको सिम की जानकारी और इसके प्लान्स वगैरह सबकी जानकारी दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कि मतलब यही बताना था दोस्तों कि मतलब वी नई कंपनी आ चुकी है सिम के लिए, वोडाफोन आइडिया का मर्जर होने के बाद, ठीक है, इन्हीं की सिम है। ओके दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।